हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल तो आ गई हूँ मैं एक और नए वीडियो के साथ तो चलिए मिलके तैयार होते हैं एकदम बनते हैं देसी कट्टो की लहरी हाँ जी बिल्कुल तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले अपनी आँखों में लेंस लगा दिया है क्योंकि ये वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक होने वाला है और बहुत ही प्यारा सा यह मेकअप टर्न आउट हुआ है तो अगर आप जानना चाहते हो कि मैंने इस लुक को कैसे रिक्रिएट किया तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे मैंने अपने फेस का सी कंप्लीट कर लिया था दिन में आई थी वीडियो बनाने उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करी हूँ क्राइमर के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ मैबलिन का प्राइमर बहुत ही अच्छा इसमें यहाँ पे यूज़ करूंगी फाउंडेशन फाउंडेशन के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मैबलिन सुपर का फाउंडेशन और पहले सेक कर लिया है उसके बाद मैं अपने फेस पे अप्लाई करी अप्लाई करने के बाद एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से उसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर दिया है ये फाउंडेशन मीडियम टू हाई कवरेज देता है अफोर्डेबल में बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है ये आप बजट फ्रेंडली है आप इसको आराम से बाई कर सकते हो और आप देख ही सकते हो मेरे फेस पे काफ़ी अच्छा कवरेज दे दिया है नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ कंसीलर कंसीलर के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही करी एज रिवाइंडर कंसीलर जो कि मैबलिन का है और अपने हाई पॉइंट्स पे अप्लाई कर ली हूँ मतलब जहां जहां आपको हाईलाइटेड दिखाना है वहाँ वहाँ पे और ये सेड थोड़ा लाइट लिया है क्योंकि हाईलाइट करने के लिए ये सेड को मैंने यूज़ करा उसके बाद मैं सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से उसको अच्छे तरह से ब्लेंड कर लूँगी नेक्स्ट मैं यहाँ पे कंट्रोल करूँगी क्योंकि मैं, मैं अपने फेस को थोड़ा सा कंट्रोल कर लूँगी क्योंकि ये वेडिंग गेस्ट है और भाई शादी में जाओ और लोग आपको ना देखें और आपकी मेकअप की तारीफ ना करें ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए लोग आपको मुड़ मुड़ के देखना चाहिए वो शाहरुख खान वाले डायलॉग्स हैं ना पलट बिल्कुल वैसे ही तो यहाँ पर मैं अपने फेस को अच्छे से कंट्रोल कर ली हूँ कंट्रोल के बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ब्लश ब्लश के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ एन बी वे का लिक्विड ब्लश और अपने एप्पल अब्धिचिक्स पे अप्लाई कर लिया है ये बहुत ही अच्छा ब्लश है ये भी अफोर्डेबल में आपको बहुत ही अच्छा ब्लश मिल जाएगा उसके बाद मैं यहाँ पे अपने पूरे फेस को अच्छी तरह से सेट से से कर लूँगी सेट करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही करी मैवलिन फिटमी का कॉम्पैक्ट जी हाँ बिल्कुल पहले अपने अंडर आई को सेट कर लेंगे ताकि वहाँ पे क्रीजेस ना बने उसके बाद में अपने पूरे फेस को अच्छे से सेट कर पूरे फेस को सेट करने के बाद मैं अपनी स्माइल लाइन को भी सेट कर लूँगी क्योंकि वहाँ पे भी काफ़ी क्रेजेस पड़ जाते हैं जो कि अच्छा नहीं लगता है उसके बाद मैं इन सारों को अच्छी तरह से सेट कर लूँगी सेट करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ फेसेस केनेडा का सेटिंग स्प्रे और अच्छे से अपने फेस को बहुत ही अच्छे से सेट कर दिया है लॉक कर दिया है नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ कंट्रोल ब्लश एंड हाइलाइटर पैलेट जो कि क्लीमी का है और सबसे पहले जहाँ पे मैंने क्रीम कंट्रोल किया था उसको मैं पाउडर कंट्रोल करके अच्छे से सेट कर लूँगी थोड़ा सा अपने जॉ लाइन को भी कंट्रोल कर लिया है और थोड़ा सा अपने नोज को भी कंट्रोल कर लिया है देन मैं यहाँ पे यूज करूंगी ब्लश ब्लश के लिए मैं यहाँ पे पिच सेड अप्लाई करी हूं बहुत ही अच्छा लग रहा था उसके बाद आप देखो बहुत ही बहुत ही अच्छा लगा ये मतलब शेड करने के बाद नेक्स्ट मैं यहाँ पर हाईलाइटर यूज कर लूंगी हाईलाइटर को भी मैंने सेम पैलेट से यूज़ किया है अपने हाई पॉइंट्स पे अप्लाई कर लेंगे और वेडिंग में वैसे भी लाइट्स तो बहुत होती हैं थोड़े बहुत हम भी चमक जाएंगे थोड़े बहुत हम भी चमका देंगे इसके बाद मैं यहाँ पे अपने आईब्रो को फील कर लूँगी आईब्रो को यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डार्क किया है क्योंकि नाइट मेकअप किया है वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक किया है तो बनता है थोड़ा मेकअप डार्क रहता है तो थोड़ा मेकअप डार्क हैवी होता है तो अच्छा लगता है उसके बाद मैं यहाँ पे अपने आईब्रो को फिल कर लूंगी आईब्रो फिलिंग के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही थी स्विस ब्यूटी का आईब्रो पाउडर उसके बाद मैं सेम कंसीलर जिससे मैंने अपने फेस को हाईलाइट किया था उससे अपने पूरे लिड्स पर अप्लाई करके उसको ब्लेंड कर दिया है नेक्स्ट बार आती है आई मेकअप की तरफ तो आई मेकअप को मैंने यहाँ पर सिंपल सा रखा है बहुत कुछ नहीं किया है सबसे पहले मैं यहाँ पर न्यूड का आई साइडो पैडेट ली हूँ उसमें से ये मैं लाइट पीच कलर का सेड लेके क्रीज लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ क्रीज लाइन पर बहुत ही अच्छे से उसको अप्लाई कर दी हूँ देन उसके बाद मर्स के पैलेट से मैं ये येलो सेड ले मर्ज कर दी हूँ कलर थोड़ा डिफाइन हो जाए इसलिए उसके बाद मैं सेम पैलेट से ये सिमर सेड ली हूँ और अपने हाफ लीड सॉरी अपने लिड्स पे अप्लाई कर ली हूँ और ब्रश की हेल्प से उसके एजेस को थोड़ा सा साफ मतलब उसके एजेस को क्लीन कर दिया है ताकि कुछ भी हाथ ना लगे नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ काजल काजल के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ रेवलैन का काजल और एक रफली लाइन ड्रॉ कर लिया है उसको हल्का सा स्मोक आउट कर दिया है ब्रश की हेल्प से उसके बाद मैंने यहाँ पे एक हैक ट्राई किया है जो कि काजल को नेल्स में लगा के और एक विंग ड्रॉ करना है बहुत ही अच्छे से हो गया बहुत ही अच्छा लग रहा था उसके बाद मैं यहाँ पे मस्कारा अप्लाई करी हूँ मस्कारा के लिए मैं यहाँ पे यूज करी हूँ मैबलिन का मस्कारा जो कि बहुत ही अच्छा मस्कारा है वॉल्यूम और लेंथ देता है नेक्स्ट मैं यहाँ पे व्हाइट काजल अप्लाई करी हूँ व्हाइट काजल को अपने वाटर लाइन में अप्लाई कर ली हूँ उसके बाद ब्राउन कलर लेके अच्छे स्मोक स्मच आउट कर दी हूँ बहुत ही अच्छा लग रहा था उसके बाद मैं सेम मस्करा से अपने लोअर लेसेस को भी कोट कर ली हूँ यहाँ पे मैं फॉल्स लेसेस अप्लाई कर रही हूँ लेकिन ऑफ़ कैमरा अप्लाई करी थी बहुत ही सुंदर ये आई मेकअप हुआ था बहुत ही प्रिटी लग रहा था स्निक्स मैं यहाँ पे यूज़ करी हूँ शुगर का लिपस्टिक और अपने लिप्स पे अप्लाई कर दी हूँ देन सेंटर में थोड़ा सा कंसीलर लेके अप्लाई कर रही करी हूँ ताकि बहुत ही एक न्यूट सा लिप्स लिप्सड मिल जाए मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था तो हे आई ये रहा मेरा फाइनल लुक आई होप आपको ये लुक पसंद आया है अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना इस लुक इस लुक को मैंने ग्रीन ज्वेलरी और एक छोटी सी बिंदी के साथ इस लुक को कंप्लीट किया है आई होप आपको ये लुक बहुत ही अच्छा लगा हो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा था और जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल हु बहू वैसा ही टर्न आउट हुआ है तो ये वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक अगर आप कहीं वेडिंग में जा रहे हो तो इस लुक को रिक्रिएट करके अपने आप को बहुत ही ब्यूटीफुल दिखा सकते हो तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय